महाराष्ट्र में कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई है। ठाणे में मीरा रोड, नवी मुंबई के पनवेल और महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर सोलापुर में हिंसा हुई है। कल मुंबई के करीब ठाणे में मीरा रोड के नया नगर इलाके में फिर से बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीरा रोड में दो समुदायों के बीच दो बार हिंसक झड़प हुई। इससे पहले रविवार को भी वहां पर हिंसा हुई थी। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। तो मीरा रोड के नया नगर इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। नवी मुंबई की पनवेल में बाइक रैली पर हमला हुआ था, दो गुटों में ये विवाद होता है। दरअसल जो सोलापुर में शोभा यात्रा निकाली जाती है उस पर पत्थरबाजी होती है और ऐसे में कई जगह पर हिंसक घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आई। कल फिर से पत्थरबाजी होती है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में कैसे यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा नवी मुंबई की अगर हम पनवेल की बात करें तो वहां पर भी तनाव अभी बना हुआ है, हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तीन जगह पर तनाव है, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि ऐसे वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त तनाव बना हुआ है। कल महाराष्ट्र में कई जगह पर हिंसा भड़की थी, मीरा रोड के नया नगर इलाके में फिर से बवाल हुआ, नवी मुंबई की पनवेल में हिंसा हुई, पनवेल में श्रीराम बाइक रैली पर हमला किया गया और कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई, सोलापुर में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, सोलापुर हिंसा में 4 से 5 लोग घायल हुए। और वही मीरा रोड में रविवार रात को हुई हिंसा में महाराष्ट्र सरकार अब एक्शन में दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है कि पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। तो बड़ी खबर, सीसीटीवी फुटेज की अब जांच की जा रही है। रविवार रात को मीरा रोड के इलाके में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी थी और हिंसक झड़प हुई थी जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए थे। अब सख्त एक्शन का निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज उस इलाके का है अब वो निकाला जा रहा है, उसकी तफ्तीश की जा रही है और जो उपद्रवी थे अब उनकी पहचान भी की जा रही है। ये बड़ी खबर, पूरे एक्शन में इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस दिखाई दे रही है। 13 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर है। सीसीटीवी फुटेज अत्यंत कडक कारवाई जाईल। जे लोग अशा प्रकारे मृदंग करता है, अतिक्रमण करता है, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकाम करता है, अवैध धंदे करता है, कार्रवाई के लिए जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं। पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ है जिसमें जो भी दोषी हो गए उन पर ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतने सालों में मेरी सबसे अपील है कि हमें शांति बनाए के रखें और सब लोग अपना अपना जो गुस्सा करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांति से करें सब। तो आप पुलिस को सुन रहे थे, शांति बनाने की अपील की है। जो हिंसा हुई है अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कल जो हालात तनावपूर्ण बने हुए थे अभी भी यथास्थिति है, यानी कि अभी भी वहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। और आपको बताएं कि एक जगह जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वहां पर पथराव होता है। तीन तस्वीरें आपके सामने है, मीरा रोड इलाके में किस तरीके से तनाव बरकरार है यह आप देखिए। रविवार की घटना है और इससे पहले 21 जनवरी की अगर हम बात करें तो वाहनों में तोड़फोड़ होती है। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए महिला यहां पर घायल हो जाती है। तो मीरा रोड हिंसा मामले में एक्शन भी हुआ है, 13 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पुलिस का यह कहना है कि इससे पहले ऐसी घटना कभी यहां पर नहीं हुई है, ऐसे में माहौल शांतिपूर्ण रहे ये पुलिस की कोशिश है और जो भी कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा उन पर एक्शन होगा। ये किस तरीके से वाहनों में तोड़फोड़ होती है, दरअसल जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस वक्त पथराव होता है, दो गुटों के बीच में ये झड़प होती है जिसमें कई लोग घायल भी होते हैं। तो मीरा रोड हिंसा मामले में अब आपको और जानकारी हम विस्तार से देते हैं। मीरा रोड हिंसा मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इस मामले से जुड़े सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। रविवार रात को मीरा रोड इलाके में हिंसा हुई थी, वहां उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी, श्रीराम के झंडे लगे वाहनों पर हमला हुआ, गाड़ियों पर पत्थर और डंडों से हमला किया गया, एक महिला के सिर पर चोट लगी, मारपीट में कई लोग भी घायल हुए हैं।
तो मीरा रोड में हिंसा हुई हो ऐसा नहीं है। कल नवी मुंबई के पनवेल में भी श्रीराम बाइक रैली के दौरान हमला किया गया और इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सोलापुर में शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की गई और इस पूरी घटना में 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। और किस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया ये उस वक्त की तस्वीर ही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और श्रीराम के झंडे वाली जो गाड़ियां थी यहाँ पर उसे निशाना बनाया गया, उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए। तो नवी मुंबई के पनवेल की हम घटना आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही थी, कल अयोध्या में रामलला की स्थापना होनी थी और उसके पहले महाराष्ट्र में किस तरह से पत्थरबाजी हुई वो आपको हम दिखा रहे हैं।